माननीय नीतीश कुमार जी से ही आग्रह कर सकते हैं कि शाम तक इस कंफ्यूजन को दूर कर दें। ये जो गठबंधन को लेकर संशय बना हुआ है, जिससे कि आम जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। बिहार में खेला होने की अटकलबाजी के बीच आरजेडी ने पहली बार ये माना कि गठबंधन को लेकर संशय की स्थिति है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने सीधे सीधे सीएम नीतीश कुमार से मांग की कि वो शाम तक स्थिति साफ कर दें। नहीं, संशय दूर करना, इस गठबंधन की मुखिया कौन है, गठबंधन किनके साथ बना, हमारी ओर से तो आप एक भी टिप्पणी नहीं देख रहे होंगे। तो मैं आग्रह करूंगा हाथ जोड़ के माननीय मुख्यमंत्री जी से कि शाम तक ये जो संशय कंफ्यूजन ये इधर उधर वो सब स्पष्ट हो जाए, ताकि बिहार अपने हित पर, बिहार के युवाओं के हित पर हम जो ये 4-5 दिन से चीजें देख रहे हैं वो खारिज हो जाए। आखिर ये संशय की स्थिति क्यों बनी हुई है? आरजेडी की ओर से दिए गए अल्टीमेटम को कई घंटे बीत गए, लेकिन ना तो जेडीयू की ओर से, ना ही जेडीयू के सबसे बड़े नेता नीतीश कुमार की तरफ से ही स्थिति साफ की गई। राजभवन में हुई हाई टी पार्टी में नीतीश कुमार पहुंचे थे, पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे। राजभवन से निकलते वक्त नीतीश कुमार से सवाल भी पूछा गया कि क्या गठबंधन में कोई गांठ है, तो इस पर सीएम नीतीश ने बिना कुछ जवाब दिए मुस्कुरा कर चल दिए। गठबंधन में सब ठीक है? गठबंधन में सब ठीक है। आरजेडी के अल्टीमेटम का समय खत्म हो गया, लेकिन नीतीश कुमार ने कोई सफाई नहीं दी। सवाल है कि अब आरजेडी क्या करेगा और नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।